तो आज के एपिसोड में देखेंगे यार ये वीडियो इंटरप्ट जो इस तरह का जो मैसेज आता है ये क्यों आता है और इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। चलो पहले देख लेते हैं कि यार वीडियो इंटरप्ट का कैसे आता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है, अभी इसको 4K में डाल रखा है और लेट स्टार्ट। तो ये देखिए ये रुक गया, अभी वीडियो इंटरप्ट का ये एरर आ गया। तो अब क्या करते हैं यार, सेटिंग इसको थोड़ी सी लो कर देते हैं फिर देखते हैं। तो अभी है 1080p 60fps और अब देखिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ तो यार देखो अभी क्या है कि अब इंटरप्ट नहीं हो रहा है। तो इसका फिर क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न सबसे जो मेन कारण ये है कि आपका जो कार्ड है उसकी स्पीड स्लो है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस कैमरे में, तो मैंने अडेप्टर के थ्रू लगाया है, हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट कुछ लोग ज़रूर लगाते हैं, ये ज़रूर करते हैं ये, ठीक है। एक तो हालांकि इसका जो अडेप्टर है इसकी क्वालिटी अच्छी है, बट जो कार्ड है आपका जो माइक्रो SD कार्ड है वो क्लास 4 का है। क्लास 4 समझ रहे हो कितना स्लो हो गया? तो कम से कम क्लास 10 का आपका कार्ड होना चाहिए अगर आप 4K शूट कर रहे हो या किसी भी तरह की वीडियो अगर शूट करना चाहते हो। यार एटलीस्ट इन्वेस्ट इन सम गुड कार्ड फर्स्ट। इस तरह का सेटअप आप ना यूज़ करें, चल जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलता नहीं है, चल जाता है, बट कभी भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वील नॉट रिकमेंडेड, बट ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने इसमें आज लगाया। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है कि अडैप्टर जो होता है कार्ड, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर ये करप्ट हो गया, इसकी वजह से भी आपका वीडियो रुक जाता है। और थर्ड चीज़ आपकी ये हो सकती है कि यार आपका कार्ड ही सही से फॉर्मेटेड नहीं है या फिर वो करप्ट हो गया है, इस वजह से क्या है कि स्टार्टिंग में रुक जा रही है या एकदम से क्योंकि फॉर्मेट सही से नहीं है, तो उसमें भी ये सेम इशू आ सकता है। सारी की सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि आपका कार्ड सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आप अपना जैसे आपके पास ये एरर आए वीडियो या आपका वीडियो छोटे छोटे इंटरवल पर रुक जाती है, तो आप सबसे पहले अपना कार्ड चेंज करें। कार्ड चेंज करने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको अपना जो कैमरा है उसको रीसेट करें, अपने कैमरे का मैनुअल चेक करें और कैमरे को रीसेट करें, और फिर भी उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए और कैमरे को सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए। तो यार एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपको मैसेज ही ना आए, बिना मैसेज आए ही आपका इशू आ जाए, एकदम से डिस्टर्ब्ड हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका वीडियो स्टार्ट ही ना हो, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कार्ड करप्ट है तो हो सकता है कि वो स्टार्ट ही ना हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग का कई बार देखो एक कारण जो हमने अपना ये चीज़ एक्सपीरियंस से बताते हैं, कई बार जो लेंस है ना अगर आपका सही से नहीं लगा है, ठीक है, अगर जैसे लेंस सही से नहीं लगा अभी, जैसे हल्का सा मैं इसको खोल देता हूँ, अब इस टाइम में अगर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट होना ही नहीं, शुरू नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका जो लेंस है सही से, ये जो ऐसे आवाज़ आई ना एक क्लिक वाली, ये सही से लॉक्ड है, सब चीज़ आपका सही से लॉक्ड है, सब सही है एकदम। और फिर उसके बाद एक बार ट्राई करें और देखें कि वीडियो स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। एक छोटा सा रीज़न ये भी हो सकता है, DSLR या कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन होता है, जैसे कैनन 1300D का वीडियो आपने रिसेंटली देखा होगा, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी है। तो मेक श्योर यार कि वो वाला ऑप्शन सिलेक्टेड तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली छोटे सा कुछ सेकेंड्स का वीडियो बनाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी बहुत कॉमन रीज़न है, नए कैमराज में शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो मेक श्योर कि वो सिलेक्टेड नहीं है, वो टर्न्ड ऑफ है। तो यार ये थे रीज़न आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होने के, रुकने के जो मेन कारण थे वो यही होते हैं। आज के एपिसोड में बस यार इतना ही, होपफुली आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।